व्लॉग आज मैं बिल्कुल जल्दीबाजी में स्टार्ट कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? होप करती बहुत अच्छे होंगे। आज जो व्लॉगिंग की मतलब व्लॉग की स्टार्टिंग हुई है वो कुछ देख लो ऐसी हो गई है। बस इतना सा बोल के मैं इतनी बिजी हो गई थी कि आगे मुझे नहीं होश है कि मुझे आपसे बात करनी है और किस एंगल में मैंने कैमरा रखा मुझे कुछ नहीं पता। बस मैंने कैमरे को ऑन करके छोड़ दिया कि जो रिकॉर्डिंग होगी होगी और बाद में फिर वो देखा जाएगा कि जब मैं इसे अपलोड करूँगी क्या होगा। एक्चुअली आप इस वक्त देख रहे हो मैं किसी काम में बिज़ी हूँ, तो इस वक्त मैं लगी हुई हूँ अटैची को बंद करने में, जो हम जितने भी हम सामान कपड़े वपड़े ले जा रहे हैं उसको बंद करने में, ढंग से पैक करने में, ये सब करने में, क्योंकि हमारा आज एक ट्रिप शुरू हो रहा है। वो ट्रिप क्या है वो तो आपको आगे पता चल ही जाएगा, ठीक है ना? तो उसके लिए आगे देखिए। और हम लोगों में क्या होता है, जब घर से कहीं बाहर जाते हैं तो मंदिर में पैसे चढ़ाते हैं और इस तरीके से टीका लगाया जाता है। तो मेरे हस्बैंड जो है मुझे टीका लगा रहे हैं, वीनू को टीका लगा रहे हैं। एक बार मैं सारी पैकिंग कर चुकी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं लास्ट टाइम पे पैकिंग कर रही हूँ, मैं पैकिंग सब कुछ कर चुकी हूँ। बट क्या हुआ था कि एक चीज़ मुझे और ऐड करनी थी। वो लास्ट टाइम तक कहीं जाना हो ना, लास्ट टाइम तक होता ही रहता है कि ये ना रह जाए वो ना रह जाए, तो बस वही चीज़ थी वो रख रही थी। फिर मैं अटैची में जो है लॉक लगा रही थी और वो हो नहीं रहा था मुझसे। बार बार मैं कितनी कोशिश कर रही थी, लॉक लग ही नहीं रहा था, क्योंकि अब इस टाइप की अटैचियों को हम कहाँ यूज़ करते हैं। और दूसरा जो बोलते हैं ना ट्रैवलिंग बैग वगैरह जो होते हैं वही यूज़ होते हैं, बट इस टाइम पे कपड़े थोड़े ज़्यादा थे और बैग कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि वीनू भी थी, हस्बैंड वीनू को लेते और फिर मैं बैग और इतने बैग कैसे कैरी करती अकेले। दैट्स वाई ये ले ली अटैची, क्योंकि इसमें व्हील लगे हुए थे तो इसे सिर्फ खींचना था और कुछ नहीं करना था, इसलिए इसको हम लेकर गए थे। सामान हो चुका है रेडी, जाने के लिए रेडी है, वीनू भी है रेडी, घर पूरा भी फैला हुआ है। अभी लेट हो रही है, व्लॉग मैंने स्टार्टिंग कर दिया। कहाँ जा रही हूँ वो मैं आगे कंटिन्यू आपको बता दूंगी, अभी मैं बस निकलने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ओके बोलो बोलो जोर से बोल। हाँ हैंड्स ऑन करो पहले, हाथ पकड़ लो उसका, हाथ पकड़ लो। वरना पिट्टी होगी, बोलो पिट्टी होगी। बोलो पिट्टी। बोलो नहीं तो पिट्टी, पिट्टी बोलो। बोलो मुंह का दिखिया। अच्छा हाँ मुंह है, बोलो पकड़ो ना उसको, छोड़ो मत, कपड़े पहन, कपड़े पकड़ लो। आगे कुर्सी मेरी, ओ कुर्सी, ओ कुर्सी, इधर आ तेरी कुर्सी। तो ये हम जहाँ जा रहे थे ना वहाँ तक जाने के लिए हमको एक्चुअली एक टैक्सी से हमको जाना था, तो वहाँ तक जाने के लिए हमने मेट्रो ली थी। ऑटो का हम बहुत देर से वेट कर रहे थे और कैब का हमने, कैब तो हमने ट्राई नहीं की थी, ऑटो का हम वेट कर रहे थे, पर हम ऑटो में फिर ना मिलने के कारण फिर हम कैब इसी मेट्रो से ही चले गए, क्योंकि हमारे घर के बाहर ही मेट्रो है और जहाँ जाना था वहाँ सीधी मेट्रो थी, बस मेट्रो से और टाइम बहुत कम लगता है मेट्रो से, इस वजह से मेट्रो में गए थे। तो फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट ट्रैवल था वीनू का मेट्रो के अंदर, फर्स्ट टाइम वो जो इस तरीके से मेट्रो में बैठी थी। तो जब वो अनाउंसमेंट करते हैं कि दरवाजे इस तरफ से खुलेंगे या ऐसे वैसे, तो इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी और बार बार कह रही थी दरवाजे खुल गए, क्लैपिंग कर रही थी और बोल रही थी अंकल खोलो करके, वो सब आपने सुनाई है। तो बहुत मस्ती करी इसने कि वो मेट्रो तो खाली थी, कोई भी नहीं था, और जो भी मैंने इसको सैंडल पहनाई हुई थी सब उतार के रख दी और बस ऐसे हो गई कि पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में आ गई हूँ। रास्ते से मैंने आपको बोला था कि हम कहीं जा रहे हैं, तो मैं सस्पेंस खोल देती हूँ, कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं उत्तराखंड अपने घर, ठीक है? अभी हम जस्ट मुरादाबाद भी नहीं पहुँचे, उससे पहले ही यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में रुके हुए हैं और डिनर कर रहे हैं, तो खा रहे हैं यहाँ पे आलू रोटी और रायता, रायता एज यूजुअल कुछ नहीं खा रही है अभी तो, सफ़र ठीक है, पता नहीं आपको वॉइस वॉइस कितनी आ रही होगी, अभी तो सफ़र ठीक है, कोई वॉमिटिंग वगैरह नहीं हुई है, आगे जाके बुरा हाल होने वाला है जहाँ से पहाड़ शुरू होंगे, तो आगे आपके साथ बनी रहूँगी। अभी फ़िलहाल डिनर कर लूँ, टाइम हुआ है 11:20 का, आप लोग तो खा पी के सो गए होंगे, बट हम अभी डिनर कर रहे हैं। आओ ना।
खाओ ना, मैं खा लूंगा, आलू खा लो, ये आलू खा लो, देख सब कह रहे हैं नहीं खा रही है, सब पुलिस को बुला रहे हैं। ये रही वो गाड़ी, पता नहीं आवाज़ आपको आ रही नहीं, ये रही वो गाड़ी जिसमें हमें जाना है और यहाँ खाने के लिए रुके थे, खा लिया है खाना। एक्चुअली आज जो हम जिस दिन निकल रहे हैं, आज रक्षाबंधन है, सारा दिन रक्षाबंधन करने के बाद फिर जो है हमने अपना ट्रिप शुरू किया है और रात 9 बजे से हम लोग निकले हुए हैं। अब देखो कल सुबह कितने बजे तक पहुँचते हैं, बहुत टेंशन सी हो रही है यार वॉमिटिंग की, मुझे खाना तो खा लिया बट अब देखो क्या होता है। तो फाइनली सुबह 8 बजे जो है हम उत्तराखंड पहुंच गए थे। तो देख लीजिए ये खूबसूरत वादियाँ, ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सा व्यू जो कि आपको आगे अब देखने को ही मिलेगा आने वाले कई व्लॉगों में, पहाड़ ग्रीनरी ये सब आपको देखने को मिलेगा। और ट्रिप अच्छा था, आधे रास्ते तक मैं आपको बोलूँ तो मुझे मॉर्निंग होने में मतलब वही 5 बजे तक तो मैं ठीक थी, बस 5 बजे के बाद से मुझे वॉमिटिंग शुरू हुई और 5 से 8 बजे तक के बीच में मुझे कई बार वॉमिटिंग ऐसे हुई है जब से उजाला हो गया और मुझे पहाड़ दिखना शुरू हो गया। पता नहीं वो मेरे माइंड में ही क्या ऐसा है कि पहाड़ दिख देख लूँ ना मैं तो देखने से ही मुझे हो जाती है वॉमिटिंग, क्योंकि एक तो इतने टर्न आते हैं ना जब गाड़ी चल रही होती है तो आपका पेट आपका शरीर पूरी तरीके से आप हिल जाते हो, गोलमोल हो जाते हो। तो मैंने ही क्या, वीनू ने भी यार काफ़ी वॉमिटिंग की थी, हम दोनों माँ बेटी बस वॉमिटिंग करने में ही थे। और तो ये फर्स्ट टाइम हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ का रास्ता है। गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं गांव में और अभी फ़िलहाल हैं बुआ के वहाँ पे, तो अभी हम कहीं जा रहे हैं। सुबह से अब थोड़ा सा तैयार वैयार हुई है, बहुत हालत ख़राब थी यार बहुत ज़्यादा। तो ये व्लॉग मुझे नहीं पता कितना बड़ा बना होगा कितना छोटा बना होगा, तो इस व्लॉग को जो है उत्तराखंड मतलब दिल्ली से आना और डे 1 उत्तराखंड यही लगा लो, ठीक है ना, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर मिलूंगी किसी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। नेक्स्ट व्लॉग तो अब अच्छे अच्छे आने वाले हैं सारा, आपको उत्तराखंड की सीरीज़ देखने को मिलने वाली है। पीछे ग्रीनरी देख सकते हो कितनी ज़्यादा हो रही है और नीचे कीचड़, पल में बारिश पल में धूप, पल में बारिश पल में धूप, ये सीन चल रहा है यहाँ पे। तो अभी हम किसी के घर जा रहे हैं और इसके बाद मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाती हूँ बुआ का घर भी, बुआ सब लोगों से भी सब लोगों को भी दिखाती हूँ। अभी फ़िलहाल चलते हैं, सो टेक केयर, बाय बाय, क्या बोलूँ, गुड नाइट बोल देती हूँ क्योंकि यहाँ अभी फ़िलहाल 4 बजे का टाइम है, बार बार ब्लॉग लंबा नहीं करना। चलो फिर अब बाय बाय।